नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो मैट्रिक्स का योग करना सीखेंगे, यानी दो मैट्रिक्स को हम किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से रूल की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप किसी दो मैट्रिक्स यानी ए प्लस बी को अभी जोड़ना चाहते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को, इसके लिए आपको दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो है, एक दो तीन रो है और दो कॉलम है, और इसकी जो कॉलम रो कितनी है, 1 2 3, थ्री कॉलम सॉरी थ्री रो, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो इसके दोनों के जो ऑर्डर है वो इक्वल होने चाहिए। यदि आप इक्वल नहीं हैं तो आप उसका योग नहीं कर सकते हैं और उसको जोड़ नहीं सकते। दूसरी बात, यदि आप उसको माइनस या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो भी इसके लिए सेम रूल है। आपका तो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं, इसको कैसे जोड़े। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हमें ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, उसके बाद में 80 60 75 65 90, इसको मैंने नोट डाउन कर दिया, और इसको भी यहाँ पर लिख देना आपको 90 50 70 55 75 75। हम इसको कैसे ऐड करें, ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले 80, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट को प्लस कर देना है सबसे पहले, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है और इसका सेकंड एलिमेंट है इसको आपको प्लस कर देना है, और इसका जो सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है और इसका भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों को ऐड कर देना आपको। इसमें सेम रूल है, मैंने ये 85 प्लस 75। अब इसको आपको सोल्व कर देना है। सोल्व करेगा तो आपके पास क्या आएगा, 80 प्लस 90 170, 60 प्लस 50 110, 70 प्लस 75 145, 55 प्लस 65 70 120, 90 प्लस 75 165, 80 प्लस 75 155, ये आपका ऐड हो गया। इस तरह से ऐड करना होता है, ये रूल होता है ऐड करने का, कि आपका दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। यदि आपके पास तीन मैट्रिक्स हो, सी और हो, उसको भी इसके साथ जो सी होनी चाहिए वो भी 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब आप इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं।